खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां हाई कोर्ट के निर्देश पर रीवा पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट ने हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया। उसी आदेश का पालन करते हुए रीवा कलेक्टर व SP सख्त दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने हेलमेट पहना है उनका पुलिस गुलाब का फूल देकर सम्मान कर रही है, और जो बिना हेलमेट लगाकर देखे जा रहे हैं उन पर पुलिस सख्ती से कार्यवाही कर रही है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों को भी कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं। अगर बिना हेलमेट के पेट्रोल देते हुए पाए जाते हैं तो पेट्रोल पंप पर भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। वहीं कलेक्टर SP ने सभी से अपील की है कि अपने घर से निकले तो बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर लगाएं, जिससे एक्सीडेंट की घटनाओं से बचा जा सके। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं हेलमेट चेकिंग की ओर और दिखाते हैं रीवा कलेक्टर और SP ने इस हेलमेट चेकिंग अभियान पर क्या कहा। हेलमेट की अनिवार्यता से तो आप सभी अवगत हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उसके रेफरेंस में मध्य प्रदेश शासन ने भी आदेश दिया है। लोगों ने आप सभी के साथ बैठक भी इसके लिए की, और कल हम लोगों ने जनप्रतिनिधि के साथ भी सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक आयोजित की थी। सभी विभाग के लोगों को इसके बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन हेलमेट को हमने को लेकर के नहीं होगा, और उन सभी जगहों पर जहाँ पर कि ये टू व्हीलर के लोग जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो जहाँ वो पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं, या अपने ऑफिसों जाते हैं, या पार्किंग लॉट में जहाँ पर अपनी गाड़ी रखते हैं, वो सभी के स्टेक होल्डर्स को ये अनिवार्य किया गया है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि हेलमेट लगाया जाए। आज हम लोग इसकी चेकिंग भी शुरू कर रहे हैं और लोगों को इस बात की समझाइश दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ही जगह पे फूल और कांटे दोनों का प्रबंध किया गया है। जो हेलमेट लगा के आ रहे हैं उन्हें फूल दिया जा रहा है, और जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनकी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि चालान के डर से या कार्रवाई होने के डर से हेलमेट ना पहने। कृपया हेलमेट को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो टू व्हीलर के दुर्घटना होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेथ केवल हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है। तो पेट्रोल पंप में अभी एक हेलमेट में कई लोग पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं, ये कंप्लायंस हम लोग करेंगे। आज पहला दिन है तो ये जितने भी इफ एंड बट्स हैं उसकी जानकारी आपके माध्यम से हमें मिल रही है, और हम लोग उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हर स्टेज की कार्रवाई के लिए हम लोग अलग अलग समय तय किए हैं, और आने वाले कल परसों में जहाँ जहाँ पे कंप्लायंस की आवश्यकता होगी उसको करेंगे। सिविल सोसाइटी के सभी लोगों को और विशेषकर मीडिया के सहयोग से हम लोग चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने कि हमें कोई चालान करने की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी पेट्रोल पंप पर ऐसी सख्ती ना करने पड़े कि उनको हम पेट्रोल वितरण पर रोक लगा दें, किसी इस तरह के जो पार्किंग लॉट है उनके हमको लाइसेंस निरस्त नहीं करने पड़े, किसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी पड़े, क्योंकि जिस विभाग के अधिकारी बिना हेलमेट के अपने ऑफिस में जाएंगे और उनको अगर एंट्री दी जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हम लोगों ने मन बनाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ऐसा वातावरण बने कि सब लोग, क्योंकि ये हेलमेट कोई कानून के पालन करने का बिंदु नहीं है, ये आपके सर बचाने का बिंदु है, तो सर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए आपको अपने सर की सुरक्षा के लिए जिले की सभी माताओं बहनों से, बच्चियों से, बेटियों से विशेषकर मेरा निवेदन है कि घर से निकलते समय आप अपने घर के लोगों को ये सुनिश्चित करें कि वो हेलमेट पहन के ही निकलें।